जंग तो चंद रोज होती है लेकिन जिंदगी बरसों तलक रोती है। कि तस्वीरें जंग की वो हकीकत बयां कर रही हैं, जो कभी भुलाई या बदली नहीं जा सकती। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, जंग कैसे जिंदगियां तबाह कर देती है, इसको बयां करती है ये तस्वीर। जंग में बिगड़ते हालातों के बीच एक पिता अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर भेज रहा है और अपनी बेटी को गुड बाय बोल रहा है। बेटी को बाय बोलने वाला ये शख्स नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा, लेकिन खुद से पहले अपने परिवार को सुरक्षित करने का जरिया मिलते ही उन्हें भेज रहा है। इस पल में बच्ची और पिता दोनों की ही आंखों में आंसू हैं, और ये आंसू पूरी दुनिया से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनका क्या कसूर है। सिर्फ यही नहीं, जंग के इन हालातों के बीच कई परिवार बंकरों में छिपने को मजबूर हैं, और उन्हीं में से एक है ये बच्ची। यूक्रेन के मरियापोल में रहने वाली ये बच्ची रूसी बमबारी से भयभीत है। बच्ची के साथ पूरा परिवार है। बमबारी में घर नष्ट हो चुका है, एक नन्ही सी जान भी इनके साथ है जो अभी कुछ समझ भी नहीं सकता, लेकिन जंग झेल रहा है। हमले के बीच माहौल इतना अफरातफरी का है कि जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहां सुरक्षित होना चाह रहा है। बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर भी पार कर रहे हैं और बॉर्डर पार कर पोलैंड पहुंच रहे हैं। पोलैंड में शरणार्थी कैंप में दिन और रात गुजार रहे हैं। छोटे सूटकेस या बैग जिसे जो मिला वो समेटा और पोलैंड के लिए मिली पहली ट्रेन पर चढ़ गए। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूसी सेना लगातार आक्रमण बढ़ा रही है, और अब एक एक कर रिहायशी इलाके इसके लगातार निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।